जनपद लखनऊ में थाना इटौंजा के ग्राम जमखनवा में लड़की पक्ष की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बीते एक वर्ष पूर्व अनु द्विवेदी पुत्र श्री कृपा शंकर द्विवेदी का प्रेम विवाह सुमन द्विवेदी पुत्री हरिनारायण द्विवेदी ग्राम मलहा मलिहाबाद का कोरी से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के साथ पूर्ण रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही अनुज की पत्नी सुमन का व्यवहार बदलता नजर आया। आए दिन सुमन अपने सास ससुरवानंद पिंकी क्षमा को गाली देती, वो अपने परिवार वालों से मरवाने की धमकी देती थी, लेकिन दिनांक 17 जुलाई को घर पर सिर्फ उसकी दोनों ननद पिंकी व क्षमा थी तथा अन्य कोई न होने के कारण सुमन ने अपने घर वालों को कॉल कर बताया कि घर पर कोई नहीं है, जिसके चलते उसके दोनों भाई व पिता तथा तीन अन्य व्यक्ति उसके घर पर आ गए। घर पर आते ही वे लोग पिंकी व क्षमा का हाथ पकड़ कर मारने लगे तथा उनके कपड़े फाड़ कर दुर्व्यवहार करने लगे और उसने कहा कि ये मेरी बहन का घर है और तुम लोग निकल जाओ। इतना कहकर वे लोग अपनी बहन को बाइक पर बिठा कर निकल गए। घर में उन्होंने काफी तोड़फोड़ की और पूरी जेवरात लेकर चले गए। मौके पर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाना इटौंजा गई। वहां पर थाना प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी ने दो दिन बाद कार्रवाई करने को कहा। थाने से एक सिपाही ने 200 रुपए शुल्क लेकर चले जाने को कहा। आज तक न ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई है और न ही उस पीड़िता को न्याय मिला है। मैं हूं शुभम सिंह। आज हम लखनऊ जनपद के इटौंजा क्षेत्र के जमखनवा गांव में हैं, जहां पर मारपीट का। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन गोविंद राज के साथ शुभम सिंह की रिपोर्ट, इटौंजा लखनऊ। जाने से घर के बाहर लगा बिजली का मीटर फट गया, साथ साथ घर के लिफ्टर में दरारा गई, घर की पूरी वायरिंग जल गई और घर की सभी बिजली उपकरण जैसे पंखा कूलर आदि उपकरण जल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। जनपद लखनऊ के क्षेत्र कुमरावा में भारी बारिश के कारण यहां पर बिजली आकाशीय बिजली गिर गई है, जिसके चलते आप देखिए यहां पर मीटर वगैरह टूट गया है। यहां पर देखिए, आप देख पा रहे हैं पूरा मीटर टूट गया है। जी, यहां पर जब लाइट बिजली की आकाशीय बिजली गिरी तब यहां पर कौन था? घर में। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए शुभम सिंह की रिपोर्ट, कुमरावा लखनऊ।